बड़वानी माफिया अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गहलोत के नेतृत्व में बड़वानी पुलिस की हथियार माफियाओं के विरुद्ध 2 माह के भीतर 5वीं बड़ी कार्यवाही। 2 माह के भीतर बड़वानी पुलिस ने कुल 71 फायर आर्म्स एवं करीब 25 कारतूस सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री भी की है। जबत 2 माह के भीतर सिंधवा शहर पुलिस की अवैध हथियारों के मामले में 3री बड़ी कार्रवाई। सिंधवा शहर पुलिस ने अब तक कुल 44 फायर आर्म्स एवं 10 जिंदा राउंड हथियार बनाने की सामग्री की है। जबत राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतर्राज्यीय हथियार सौदागर पीराराम को हिरासत में लेकर कुल 17 फायर आर्म्स, 1 रिवॉल्वर, 4 पिस्टल, 12 देशी कट्टे, 7 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन सहित कुल 3,34,000 रुपए की सामग्री जब्त। पूर्व में भी आरोपी 2 बार ले जा चुका है हथियार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का उपयोग करके तलाशता है ग्राहक, फिर 25 से 30 हजार में बेचता है एक हथियार। पंजीबद्ध क्रमांक 269/2023, धारा 25(1)(125)(1A)(125)(1A) आर्म्स एक्ट। आरोपी निम्न है: पीराराम पिता जेठाराम थोरी जाति जाट उम्र 21 साल निवासी बाछड़ाव पुलिस चौकी बाछड़ाव थाना धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। अपराधी का पूर्व रिकॉर्ड के बारे में संबंधित थाने से पता किया जा रहा है। जब्त की गई सामग्री: रिवॉल्वर 01, देशी पिस्टल 04, कीमती 1,30,000 रुपए, 12 देसी कट्टे 12 बोर के कीमती 1,80,000 रुपए, मोबाइल कीमती 20,000 रुपए, 07 जिंदा राउंड कीमती 3,500 रुपए, 1 काला बैग 500 रुपए, कुल जबत मशरूका कीमती 3,34,000 रुपए। विशेष भूमिका: TI राजेश यादव, उप निरीक्षक रोहित पाटीदार, उप निरीक्षक अजमेर सिंह लावा, सोनी संजय पाटीदार, एसी संजय शर्मा और सुमा शंकर मंडलोई, आरक्षक 376 योगेश्वर चौहान, 591 नीरज डांगरे, 585 प्रकाश ठाकुर, 587 मुकेश दुर्वे, 556 सतीश, 555 श्याम मिश्रा, लाल सिंह, नारायण पाटीदार, विनोद पाटीदार थे। बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। ये जैसा कि आपको विदित है, अवैध हथियारों के निर्माण और उनके खरीद फरोख्त के विरुद्ध बड़वानी पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। विगत 2 माह के भीतर हमने करीब दर्जन भर केस पंजीबद्ध किए हैं। 12 से 13 जो स्मगलर्स थे और अवैध हथियार निर्माणकर्ता थे, उनको हमने जेल भेजा है और करीब 70 से 75 की संख्या में फायर आर्म्स बड़वानी पुलिस ने जब्त किए हैं। इसी तारतम्य में कल दिनांक को SDOP सिंधवा श्री कमल चौहान के मार्गदर्शन में और TI सिंधवा सिटी राजेश यादव के नेतृत्व में थाना सिंधवा सिटी की टीम को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजस्थान के बाड़मेर का एक आर्म्स डीलर बड़वानी आने वाला है और एक बड़ी हथियारों की खेप को खरीद कर वापस राजस्थान जाने वाला है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही सिंधवा सिटी की अलग अलग टीमें रवाना हुई और मुखबिर के बतलाए अनुसार अपराधी की घेराबंदी की गई और अपराधी को पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम जो है पीराराम जाट बताया है, जो कि निवासी बाड़मेर का है, और जो उसके पास बैग था उससे कुल 17 फायर आर्म्स, जैसा कि मुखबिर ने हमें बताया था, उसके अनुसार उसकी जो सूचना है सही पाई गई और 17 फायर आर्म्स सिंधवा सिटी पुलिस ने जब्त किए हैं। पीराराम जाट से जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें उसके द्वारा बताया गया है कि वो समय समय पर पहले भी 2 से 3 बार बड़वानी आ चुका है। लगातार वो इस व्यवसाय में संलग्न है। हथियारों की एक बड़ी खेप वो बड़वानी से खरीदता है और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर जाकर उसको बेचता है और कुछ हथियार वो स्वयं के लिए भी रखता है। हम बाड़मेर पुलिस से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं। जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें ये पता चला है कि इसकी शोहरत वहाँ पर ठीक नहीं है। शातिर बदमाश व्यक्ति ये बाड़मेर पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड्स की जानकारी बाड़मेर के अलग अलग थानों से हम मंगवा रहे हैं। राजस्थान में ये कितने लोगों को हथियार सप्लाई करता था और बड़वानी में किन किन लोगों से ये हथियार खरीदता था, इन लोगों के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है, उनको भी आगे आने वाले समय में लगातार कार्यवाही करते हुए बड़वानी पुलिस गिरफ्तार करेगी। किसके माध्यम से यहाँ पे देखिए, आरोपी जैसा कि उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि वो बड़वानी और यहाँ पर जितने लोग अवैध हथियारों के निर्माण में लगे हैं उनसे परिचित है। विगत दिनों में कम से